अभी सिर्फ चंद दिन रह चुके हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए और सिर्फ 27 तारीख का एक दिन है जिस दिन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक कैंडिडेट्स जो है वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आज कल और परसों जो है वो छुट्टी है। लेकिन अभी तक कांग्रेस और एनसी के अलायंस पे जो है वो क्लियर पिक्चर नहीं हुई है और इतना भी आसान नहीं है इस अलायंस को टिका के रखना। अभी खबरें आ रही हैं बानाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां पर जो सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सजाद शाहीन हैं, उन्होंने और जो शमशादा शान है जो डीडीसी चेयरपर्सन जिला रामबन की है, उन्होंने कांग्रेस और एनसी के अलायंस को लेकर जो है वो सवालात उठाए हुए हैं और एक तरह से वर्कर्स जो है वो उनमें ओपन रिवॉल्ट है। यानी कि ऐसी खबरें मिल रही है क्योंकि सलमान खुर्शीद इस वक्त श्रीनगर में जो है वो पहुंच चुके हैं और उमर अब्दुल्ला ने कल एक बात जो है वो इशारों इशारों में बताई थी कि इतना भी आसान नहीं है जो अलायंस होना, उसमें जो है वो काफी पेच अभी हैं। अगर हम आज मीडिया रिपोर्ट्स देखें, 12 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर काफी एक तरह से जंग लगी हुई है। लेकिन अभी हमने देखा था कि कल डोडा में किस तरह से खालिद नजीब सोहरावर्दी ने जो है वो नॉमिनेशन भरा था। अब खबर ये आ रही है कि जो रियाज अहमद कांग्रेस के हैं वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है फार्म भरेंगे। मैं बता दूं कि इसी तरह का जो पेच है वो इंद्रवाल में भी जो है वो अटका हुआ है, लेकिन खबरें ये मिल रही है कि इंद्रवाल से जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस फाइनली जो है इस बात का एतराफ कर चुकी है कि उनका कैंडिडेट जो है वो वहां पर स्ट्रांग है। अभी ये देखना है कि क्या ये जो अलायंस है वो मैटर हो पाएगा कि नहीं पाएगा। इस अलायंस की जो है वो दो हमारे पास सिचुएशन आ रही है। हम बानाल की खबर पर आएंगे और जो वहां पर वर्कर्स ने क्या क्या कहा है वो भी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। लेकिन जिन सीटों पर एग्रीमेंट हुआ है और दोनों पार्टीज एग्रीड है, वहां पर जो है जिस कैंडिडेट को वो सीटें दी गई है वो वही लड़ेंगे। लेकिन जहां पर कंफ्यूजन है, जिस तरह से हम बदरवा सीट की बात करें, बानाल की सीट की बात करें, इंदरवाल की सीट की बात करें, यहां पर इस तरह की खबरें मिल रही है कि शायद दोनों पार्टियां जो है वो अपने कैंडिडेट उतारे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स इस वक्त जो है वो बहुत एक असमंजस में है और खामोशी जो है वो लोगों को और वर्करों दोनों को जो है वो परेशान कर रहे हैं और साथ में हमें भी परेशान कर रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि रात को जब देर रात सजाद अहमद किचलू कश्मीर से वापस आए, उन्होंने भी जो है वो पार्टी वर्कर्स से ये बात कही है कि अभी तक कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है कि कौन कहां से लड़ेगा, क्योंकि जो अलायंस है उसमें जो है वो काफी पेचेस जो है वो सामने आ रहे हैं और वो किश्तवाड़ की तीनों सीट्स के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की के जो कैंडिडेट्स हैं वो तीनों सीटों पर यहां पर मजबूत है और बीजेपी को जो है वो टक्कर दे सकते हैं, जबकि कांग्रेस जो है अगर उसको सीट दी गई तो शायद वो सीट जो है वो गवाई जाए। और साथ में जो इंद्रवाल को लेकर जो है वो एक बहुत बड़ा पेच है, क्योंकि अभी जो है वो डिफरेंट खबरें आ रही हैं उस गुलाम अहमद सरूडी साहब के हवाले से, और ये भी खबर आ रही है कि जो फातिमा बेगम है जो डीडीसी कारा है, शायद वो इंदरवाल से डीपीएपी की कैंडिडेट हो। अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि सरूडी साहब जो है वो शायद आजाद साहब से अलग हो गए। उस पर हम आपको अलायदा डिटेल्स जो है वो कुछ देर में बताएंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो ये बानहाल की मीटिंग है, ये जो वहां पर हुआ है उसमें जो वर्कर से उन्होंने ओपन रिवॉल्ट किया है और पार्टी हाईकमान को ये मैसेज दिया है कि क्या आप कांग्रेस को जो है वो संवारना चाह रहे हैं या अपनी पार्टी को डुबोना चाह रहे हैं। या ये एक बहुत बड़ा क्लियर मैसेज है, क्योंकि जो सजाद शाहीन है वो पिछले 10 सालों से जो है वो मेहनत कर रहे हैं, जब से वो 2014 में इलेक्शन हारे थे और उन्होंने जो है वो कहा वहां पर एक अच्छे खासे वोट लिए थे, और उसके बाद उनके पार्टी वर्कर्स का ये बिलीव है कि उन्होंने काफी कंसोलिडेट जो है वो किया है। जब चंद हफ्तों पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझे ये स्टेटमेंट दिया था कि हम अलायंस नहीं करेंगे, सजाद शाहीन जो है उस वक्त साथ है। मैं बता दूं ये कश्मीर डॉट कॉम के हवाले से खबर है, मेरे कुलीग की खबर है, हारून नबी जो है वो इसके जो है वो बानी है, उनके हवाले से ये खबर है कि जो क्रेक्स है वो डेवलप होना शुरू जो है वो हो गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलायंस में, और बानाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो इसके लिए आवाजें उठना जो है वो शुरू हो गई हैं। और मैं बता दूं कि ये जो इमरजेंसी मीटिंग है
आज की डेट की जो है वो बात कर रहे हैं, इसमें सैटरडे के दिन यानी आपसे कुछ देर पहले जो है ये मीटिंग हुई है, जिसमें सजाद शाहीन और डॉक्टर शमशादा शान जो है वो पार्टी वर्कर्स और लीडर्स है, उन्होंने जो है वो यूनानिमसली जो अलायंस है कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहाना को लेकर उसको जो है वो रिजेक्ट किया है, और इसके तई जो है वो नाराजगी जो है वो जाहिर की है, और बताया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पोटेंशियल कैंडिडेट को जो है वो साइडलाइन कर रही है और उनको इग्नोर कर रही है। मीटिंग में सजाद शाहीन ने भी जो है वो एक तरह से जो उनके वर्कर्स में अनइजीनेस है और जो पार्टी मेंबर्स और सपोर्टर्स में अनइजीनेस है, उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि जो डील हो रही है एनसी की, उससे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजिशन जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो आगे चलकर वीक होगी, और पार्टी लीडर्स को जो है वो इस बात की को सोचने की जरूरत है, जो उनका ग्रास रूट वर्कर है, उनके सेंटीमेंट्स है, और जो बाकी इतने सालों से जो है वो लोग इंतजार कर रहे थे कि वो जो है वो यहां पर अपना बेस्ट जो है वो डिलीवर करे जब इलेक्शन होंगे। लेकिन अब जब इलेक्शन हो रहे हैं तो पार्टी हाईकमांड पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो उनके जज्बातों के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस के साथ अलायंस करके। मैं बता दूं कि जो लोग हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं, उन्होंने बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है अक्रॉस द रीजन, जिसमें बानाल जो है वो वहां पर जो इस वक्त दोनों पार्टियों के बीच में एक रसाकशी का जो है वो बन रही है वजह, क्योंकि अभी तक बानाल ही एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से ओपन वार्ड जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलायंस को लेकर जो है वो हुआ है। मैं बता दूं कि जिस तरह से मैंने बताया कि जो पार्टी के लीडरांस और वर्करांस है उनका ये कहना है कि इस डिसीजन से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कमजोर होगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को यह बताया है कि वो इन चीजों के मद्देनजर रखते हुए जो सेंटीमेंट्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स के और वहां के लीडर्स के, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो डिसीजन ले, क्योंकि अभी ये खबरें आ रही हैं कि ये अलायंस जो है वो शायद ही जो है वो चिनाब वैली और पीर पंजाल में कुछ सीटों पर जो है वो टिके, और तकरीबन 12 से 16 के करीब ऐसी सीटें होंगी जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो आमने सामने जो है वो मुकाबले में होंगे, जिसमें डोडा होगी, बदरवा की सीट की खबर आ रही है, और अब बानाल की सीट की खबर आ रही है, इसके साथ साथ जो है वो अब इंदरवाल की भी जो है वो खबर आ रही है, क्योंकि किश्तवाड़ की तीनों सीटों पर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्ट्रांग क्लेम किया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इंदरवाल की लीडरशिप है उनका यह कहना है कि अगर कांग्रेस जो है वो यहां पर जो है वो अड़ी रही कि उनका कैंडिडेट जो है वो खड़ा करना है, वो कांग्रेस की तरफ से जो है वो गुलाम मोहम्मद सुरुजी को जो है वो एक तरह से सपोर्ट करने के बराबर होगा। उनका यह भी कहना है कि अगर पार्टी ने जो है वो वहां पर गलत डिसीजन लिया, वो अपने जो लीडर है उनको मजबूर करेंगे कि वो पार्टी का सिंबल छोड़कर जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो है वो वहां से इलेक्शन लड़े। अभी ये देखना होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो इस इशू को जो है वो सुलझा पाती है, क्योंकि जितना जितना वक्त करीब आ रहा है उतनी उतनी जो है वो लोगों की धड़कनें जो है वो बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ जो है वो एक तरह से क्योस यानी कि जो असमंजस की जो सिचुएशन है वो जो है वो पैदा हो रही है। अभी जिस तरह से मैं किश्तवाड़ की और अर्शवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, उसमें जो है वो साफ तौर पर पाडर में जो है वो लोग इंतजार है, वो चाहते हैं कि उनको फाइनली पता चले कि उनका कैंडिडेट क्या है, कौन है। हालांकि जो पाडर की नेशनल कॉन्फ्रेंसशिप की लीडरशिप है वो ज्यादा जोर दे रही है कि सजाद अहमद किचलू जो है वो पाडर से इलेक्शन लड़े और वो वहां से जो है वो सेफ है, जबकि किश्तवाड़ से जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर जो है वो लड़ सकती है, क्योंकि जो दक्षिण है वो उनका जो है वो आबाई इलाका है और वो जो है वो दक्षिण और पलमार एरिया को भी जो है वो रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अभी कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा वो जो है वो अभी फाइनल नहीं है। हालांकि पहले हमें ये खबरें आ रही थी कि सजाद अहमद किचलू जो है वो किश्तवाड़ से लड़ेंगे और डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर जो है वो पाडर से इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन इसके अलावा ये था कि जो लड़ाई है जो इंदरवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर वो जारी है, क्योंकि सजाद अहमद किचलू ने जो है वो इंदरवाल की सीट को लेकर जो है वो काफी स्ट्रांग स्टैंड लिया हुआ था पार्टी लीडरशिप के सामने। अब देखना होगा कि ये आगे चलकर इस पर क्या फैसला होगा, लेकिन अभी तक की यही खबर है कि इसमें कांग्रेस और एनसी के अलायंस में इस वक्त काफी उथल-पुथल मचा हुआ है, और अभी तस्वीर साफ होने में जो है वो थोड़ा सा जो है वो वक्त लगेगा। हमारी नजर इस खबर पर आगे भी रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।